नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं, वो वीडियो हम अपने पेपर रिटेलर भाइयों के लिए लेके आए हैं। तो हमारे जितने भी समस्त पेपर रिटेलर भाई हैं, उन सभी को हम बता दें कि पेपर ने अपना नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। और 15 नवंबर 2022 से आप यदि पेपॉइंट के पुराने पोर्टल में काम करते हैं तो वो बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए हम पूरी डिटेल बताएं, उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पेपॉइंट साइट को खोलना है। जी, हम पेपॉइंट खोलेंगे तो हमें ये पेज खोलेगा। इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो अभी तक हम इस पुराने पोर्टल से अपनी आईडी लॉगिन करते थे, जो कि 15 तारीख से बंद हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्लिक हियर में क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक हियर करेंगे तो हम पेपॉइंट का जो नया पोर्टल है उस पर पहुँच जाएंगे। पेपॉइंट के पोर्टल की न्यू पोर्टल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जहाँ से आप न्यू पोर्टल में डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ हम अपना वही पुराना आईडी पासवर्ड डालेंगे। हम अपने पुराने आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेपॉइंट का नया पोर्टल खुलेगा, जहां से अब आपको काम करना है। हम अपने पहले भी पुराने वीडियो में डाल चुके हैं कि आपको किस तरीके से पेपॉइंट के नए पोर्टल में काम करना है। पूरा डिस्क्रिप्शन हम सब कुछ आपको अपने पुराने वीडियो में डाल चुके हैं। इसमें एक नया ऑप्शन भी आ चुका है, रेंट पेमेंट, जहां पे आप क्रेडिट कार्ड से भी अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो फिर कोई ग्राहक के अकाउंट में उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। ये एक नया ऑप्शन आ चुका है इस नए पोर्टल में, जो कि हमें पुराने पोर्टल में नहीं मिलता रहा। तो ये एक नई सर्विस भी हमें पेपॉइंट के न्यू पोर्टल में मिलेगी। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी इसमें कमीशन वगैरह है, वो कमीशन वगैरह आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका कमीशन है वो आपको सामने ही दिखेगा। आप देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज में जो जो कमीशन मिलेगा वो सामने ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कमीशन के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सामने ही आपको कमीशन दिखाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो कमीशन है वो भी सामने दिखा रहा है। तो अब आप जितने भी पेपॉइंट रिटेलर हैं हमारे, वो सभी यदि अपने पुराने पोर्टल में काम कर रहे हो तो वो सभी अब पुराने पोर्टल में काम करना बंद कर दें और नए पोर्टल में काम करें। साथ ही साथ यदि आप पेपॉइंट की रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपने नंबर मेंशन कर देंगे, जहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे जितने भी पेपर रिटेलर हैं उन सभी को ये समझ में आ गया होगा। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर से, तब तक के लिए धन्यवाद।